हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर लर्नर सी। मैं और अर्षिक अपना वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ये मैथमेटिकल फिजिक्स का चैप्टर अपना शुरू है। लास्ट लेक्चर सब पर आपने देखे नहीं होंगे तो जाकर वो चेकआउट कर लेना है, चैनल पर आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और डी मॉर्गस थ्योरम आज अपने को देखना है, उसके साथ ही देखना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। डी मॉर्गस थ्योरम का अपन प्रूफ नहीं देखने वाले, सिर्फ आपको मैं स्टेटमेंट बता दूंगी कि डी मॉर्गस थ्योरम बताता क्या है, राइट। एंड देन वी विल मूव टू द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बाद अपन करेंगे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो अभी तक अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, जो 4 to 5 लेक्चर्स में अपन ने अभी तक पढ़ा है, उसके रिवीजन कर अपन क्या करेंगे, रिवीजन मींस रिवीजन के साथ साथ अपन क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अभी तक के सिलेबस पर जो भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ ही अपन क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यूज के, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं, लाइक आईआईटी एग्जाम 2019 का एक क्वेश्चन देखेंगे, 16 का भी एक क्वेश्चन देखेंगे, एंड 2015 का भी एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ डी मॉर्गस थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो डी मॉर्गस थ्योरम जो है सिंपली आपको क्या देता है कि कॉस ऑफ थीटा प्लस यूर आई साइन ऑफ थीटा रेस टू द पावर, अगर आपके पास एन है तो ये जो रेस टू द पावर एन है वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, थीटा के पास, मींस आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ एन थीटा प्लस यूर आई साइन ऑफ एन थीटा। तो इसका जो प्रूफ है वो आपको बीएससी की बुक्स में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो जब अपना थ्योरी पार्ट होगा, तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। अभी अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जितना आपको जरूरी है उतना ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मींस क्या कि आपको क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मींस अपना वन, तो वन के निकालने हैं आपको क्यूब रूट्स, क्या निकालने हैं, वन के निकालने हैं क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स आप देते हो ऐसे, यहाँ पर 3 लिखते हो, राइट, ये हो गया आपका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको फाइंड आउट करना है, तो देयर आर 3 क्यूब रूट, क्यूब रूट्स है मींस आपको पता है जैसे स्क्वायर रूट 2 होते हैं वैसे क्यूब रूट कितने होंगे, 3 होंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो आपको 3 वैल्यूज मिलती है, एक होता है 1, दूसरा होता है ओमेगा, तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की पहले वैल्यू निकाल लेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द, ये जो आपको रूट्स मिले हैं उसके क्या निकालने वाले हैं अपन, रिलेशन, मतलब उसके एडिशन किए तो वैल्यू कितनी आएंगी, उसकी मल्टीप्लिकेशन किए तो वैल्यू कितनी आएंगी, ये एक स्टेटमेंट आपको मैं दे दूंगी, ठीक है। वैसे आपने पढ़ा होगा बहुत बार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। तो ये जो वैल्यू है उसको अपन फाइंड आउट करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 1 raised to the power 1/3, राइट, लिख सकती हूँ। अब देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में या फिर उसके पहले के वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बताई थी e raised to the power के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू 1 होती है, e raised to the power i 2n pi की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इस 1 के जगह ये लिख सकते हो e raised to the power i 2n pi लिख सकते हो, राइट, और ये हो गया आपके पास 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 अंदर आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास e i 2n pi/3, राइट, ये हो गया आपके पास। अब अपन लेंगे 3 कॉन्जिकेटिव नंबर्स, इसको सपोज टू भी अपन बोल देते हैं z, ठीक है। तो अपन अब क्या कंसिडर करेंगे, 3 कॉन्जिकेटिव नंबर्स। तो जो 3 कॉन्जिकेटिव नंबर्स है वो आपके पास कौन से होंगे, कॉन्जिकेटिव नंबर्स आपने पढ़े होंगे, आई थिंक 9th में आपने पढ़े होंगे। तो अपन 3 कॉन्जिकेटिव नंबर्स यहाँ पे लेंगे, n इक्वल्स टू अपन 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे एंड 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने n इक्वल्स टू 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 0 पुट किया तो मेरी z की वैल्यू जो है वो e raised to the power 0 हो जाएंगे, एंड आपको पता है e raised to the power 0 की वैल्यू होती है 1, राइट। अब अगर मैंने n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो आपके पास हो जाएगा z इक्वल्स टू e raised to the power 1, 1 यहाँ पर n की वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर होगा 1 इंटू यहाँ पर 2i pi by 3, राइट। तो इसको क्या कर दोगे, अब आपने n की वैल्यू पुट करी ना, मीन्स यहाँ पर क्या आया e raised to the power 2 pi by 3, और ये यहाँ पर i, राइट, ये होती है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, अब आपको पता है e raised to the power i theta को आप सॉल्व करते हो, तो e raised to the power i theta means cos theta प्लस यूर आई साइन ऑफ थीटा। तो ऐसे ही कर इसको खोल दो, तो इसको खोलोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा मीन्स 2 pi/3 प्लस यूर आई साइन ऑफ थीटा मीन्स i sin of 2 pi/3, राइट। आपको पता है कॉस ऑफ 2 pi/3 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 प्लस ये आई वैसे है कि वैसा, और साइन ऑफ 2 pi/3 की वैल्यू होती है √3/2, राइट। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी, तो ये जो आपको एक मिला ये हो गया आपका ओमेगा, ये किसकी वैल्यू हो गई, आपकी ओमेगा की वैल्यू। अब जैसे ही आप एन इक्वल्स टू 2 पुट करोगे वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो एन इक्वल्स टू अगर आपने 2 पुट कर दिया तो एन इक्वल्स टू 2 में देखो एन इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको एक सेकंड,
यहाँ पर देखो, अगर आपने n इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, e रेस टू द पावर i 2 पाई 2 बाय 3, तो 2 बाय 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो e रेस टू द पावर i 4 पाई बाय 3। तो इसी को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, cos ऑफ 4 पाई बाय 3 प्लस योर आई साइन ऑफ योर 4π/3, राइट। और 4π/3 की कॉस की वैल्यू क्या होती है, -1/2। एंड यहाँ पर जो साइन की वैल्यू होती है, साइन ऑफ 4π/3 की वैल्यू होती है -3/2, राइट। तो देखो आपके पास क्या, कॉस ऑफ 4π/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2। और ये वैल्यू कहाँ से, पूछो मत, कॉस और साइन का टेबल आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर साइन ऑफ 4π/3 की जो वैल्यू है वो आती है आपके पास -√3/2, राइट। तो ये वैल्यू आती है, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो देखो आपने क्या कर दिया, आपने सिंपली किया कि 1 रेस टू द पावर 1/3 है, तो 1 जो है उसको आपको पता है ई रेस टू द पावर आई 2π आई e रेस्टू दावर 2nπ की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो बस आपने वो पुट किया और n को आपने एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा और एक बार 2 रखा, तो आपको तीन वैल्यूज मिल गए। तो तीनों को आपने नाम दे दिया, एक ओमेगा, एक 1 और एक ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गए आपके कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज, पुट करने के बाद में जो कुछ भी मिला वो हो गए आपके क्यूब रूट्स। क्या हो गए आपके क्यूब रूट्स, तो वी हैव 3 क्यूब रूट्स, आपके पास 3 क्यूब रूट्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास क्यूब रूट्स मिले हैं, तो 1 मिला है एक, दूसरा आपके पास जो मिला है वो मिला है ओमेगा, जो कि उसकी वैल्यू मिली है -1/2 प्लस यूर आई √3/2, राइट। एंड जो आपके पास ओमेगा स्क्वायर है वो क्या मिला है, 1/2 -1/2 -i√3/2, राइट। तो ये वैल्यूज जो है वो आपको यहाँ पर मिली है, ओके। तो यहाँ पर मैंने फर्स्टली मैंने बताया था कि अपन ये भी कंसीडर करने वाले हैं कि इसके एडिशन के आंसर क्या होगा और इसका इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या होगा। मींस यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द सम ऑफ क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट की अगर आपने सम कर दी, मतलब आपने क्या किया, 1 किया प्लस ओमेगा किया प्लस ओमेगा स्क्वायर किया, तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा 0 मिलेगी, ठीक है। कैसे 0 मिलेंगी ये भी बता देती हूँ, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0, यूनिटी इज 0, ठीक है। कैसे, देखो 1 है प्लस, अब यहाँ पर क्या है ये वाला ओमेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस है, फिर यहाँ पर क्या -1/2 प्लस यूर आई √3/2 एंड देन हो जाएगा आपके पास प्लस यूर -1/2 -i√3/2 का स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, आपको इक्वल्स टू जो है, इक्वल्स टू 0 नहीं लिखती हूँ मैं यहाँ पर, इक्वल्स टू जो है वो आपको 0 ही मिलेगा। तो मैं ये अभी सॉल्वेशन के चक्कर में नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो फर्स्टली आपको समझ जाना चाहिए कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो आपकी क्या आएंगी, 0 आएंगी। और दूसरी बात जो है कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो आपको हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1, मीन्स 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। क्या मिलेगा आपको हमेशा 1, इसका मतलब ये कि ओमेगा क्यूब जो है वो भी हो जाएगा 1, क्योंकि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर मीन्स ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये बेसिक था, अब अपन डायरेक्टली जंप करेंगे क्वेश्चंस पर, तो क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चंस पर अपन आएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो है पाता है आपको 100 डेज शुरू है, 100 डेज में आपको 100 वीडियोस मिलने वाला है, वैसे तो 125 डेज है, तो 125 डेज में 100 वीडियोस आपको मिलने वाले है। तो आपको क्या करना है, अपनी एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्टली क्वेश्चन क्या दिए वाला है कि इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है आपको दिए वाला है, क्या 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की वो क्या है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस योर ओमेगा रेस टू द पावर 4, एंड देन यू हैव 1 माइनस ओमेगा रेस टू द पावर 4 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 8 एंड प्लस सो ऑन, कब तक है, 2n फैक्टर्स तक है। कहाँ तक है आपके, 2n फैक्टर्स तक है, एंड आपके पास जो ऑप्शंस है वो दिए वाले हैं 2n
एंड बी दिए वाला है आपके पास 2 raised to the power 2 एंड सी जो ऑप्शन है वो दिए वाला है 0 एंड डी ऑप्शन जो दिए वाला है वो है 1। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया वाला है, उसमें आपको क्या बताया कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इस एक्सप्रेशन का जो है वो आंसर फाइंड आउट करो। तो आपको पता है अभी अपन ने देखा कि द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो क्या आ जाएगा आपका 0। और अभी आपने देखा कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी 1, मींस आपके पास ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, और यहाँ पर देखो और अपन क्या लिख सकते हैं इसको, अभी अपने को किसी चीज को क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय दिस वैल्यूज। तो यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे अपन लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ओमेगा रेस टू द पावर 4 के वैल्यू है, ओमेगा रेस टू द पावर 8 भी है, तो अपन इसकी भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो अब ओमेगा रेस टू द पावर 4 आप कैसे लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू यूर ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू यूर ओमेगा मीन्स आप लिख सकते हो ओमेगा रेस टू द पावर 4 को ओमेगा, राइट लिख सकते हो। वैसे ही अगर आपने ओमेगा रेस टू द पावर 8 निकाला, तो देखो अब ओमेगा रेस टू द पावर 8 को आप कैसे लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू योर ओमेगा क्यूब इंटू योर ओमेगा स्क्वायर। देखो 2 plus 2 plus 3 6 6 plus 3 your 8 हो गया, तो इसको आप देखो ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा क्यूब 1 है एंड योर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा रेस टू द पावर 8 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वैल्यू जो है ये दोनों भी वैल्यूज को आपको यहाँ पर पुट कर देगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज को पुट करने के बाद में आपके पास देखो क्या बचेगा, 1 माइनस ओमेगा, देखो आपके पास क्या बचा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वैसे की वैसा रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस यूर, अब ओमेगा रेस टू द पावर 4 के जगह रख दो आप ये वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा, देन यहाँ पर क्या है 1 माइनस यूर ओमेगा रेस टू द पावर 4 के जगह आप ओमेगा लिखो, और ओमेगा रेस टू द पावर 8 के जगह आप ओमेगा स्क्वायर लिखो। ठीक है, प्लस सो ऑन अप टू यूर 2n फैक्टर्स। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया आपके पास, इसमें से क्या क्या आप क्या कर सकते हो। ओके, अब देखो दो टर्म्स जो है वो साथ में कैसे मिल रही है, देखो ये जो है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म जो है वो आपको क्या मिली, सेम मिली। ठीक है, तो वहां पर जैसे 2n फैक्टर्स तक है, तो सपोज अगर अपन ने इसको और भी आगे सॉल्व किया तो आपको वैसे ही फैक्टर्स जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं, वैसे ही फैक्टर्स आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर आगे आगे मिलेंगे। ओके, तो ये जो फैक्टर्स है वो आपको आगे ऐसे ही मिलने वाले हैं, दैट्स वाई अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस टू द पावर यहाँ पर n और n, क्यों, क्योंकि 2n है ना, तो ये n और ये n, ऐसे 2n हो गया। समझ में आया क्या कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ऐसे ही क्या बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेस टू द पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या है ओमेगा रेस टू द पावर 4 ओमेगा रेस टू द पावर 8, तो यहाँ पर आगे क्या आएगा 1 माइनस ओमेगा रेस टू द पावर 8 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 16, ऐसे ही करके आगे आएंगे, और फिर उसको वैसे ही सॉल्व करते जाओगे आप, जैसे ओमेगा रेस टू द पावर 8 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आई है और ओमेगा रेस टू द पावर 16 की फिर वैल्यू आएंगी, ऐसे अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको ऐसे अल्टरनेटिव सेम वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस टू द पावर n, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस टू द पावर यूर n। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप किसी ना किसी की वैल्यू चेंज कर दो, तो अभी अपन क्या करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चेंज करेंगे। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या डाली थी, माइनस ओमेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा ऑलरेडी है रेस टू द पावर n, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस यूर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर अपन पुट करेंगे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी था, और माइनस ओमेगा स्क्वायर इस वैल्यू को पुट करने के बाद। ठीक है, समझ में आई बात, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस ओमेगा मीन्स माइनस 2 ओमेगा रेस टू द पावर एन, राइट, और यहाँ पर क्या था माइनस ओमेगा स्क्वायर मीन्स माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर रेस टू द पावर यूर एन। ठीक है, समझ में आई बात, तो अब इसको और सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, देखो अब ये देखो रेस टू द पावर एन है, रेस टू द पावर एन है, ओके, और यहाँ पर क्या है माइनस 2 ओमेगा
स्क्वायर, ओके। तो इसको अगर मैंने एक इसमें लिख लिया तो चलेगा, रेस टू द पावर एनी है ना, तो साथ में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 × 2, 4 ओमेगा इंटू ओमेगा मीन्स ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, अभी अपन ने देखा ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो आप यहाँ पर लिख लो 4 रेस टू द पावर n, ठीक है। तो क्या आया, 4 रेस टू द पावर n, तो 4 रेस टू द पावर n तो ऑप्शन में नहीं है। फिर अब क्या करना, तो 4 रेस टू द पावर n को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 स्क्वायर रेस टू द पावर n, तो इसको आप लिख सकते हो 2 रेस टू द पावर 2 n, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया क्या, कैसे अपन ने सॉल्व किया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन इजी था, ओके। अब अपन जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या दिए वाला है कि अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसका निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ यू हैव वैल्यू ऑफ जेड, अगर आपके पास वैल्यू ऑफ जेड दी वाली है जो कि है आपके पास लैम्बडा प्लस 3 प्लस यूअर आई अंडर रूट ऑफ 5 − λ², ठीक है। दिस वैल्यू आपको दिए वाली है, वेयर लैम्बडा जो है वो आपको दिया वाला है कि लैम्बडा इज अ रियल पैरामीटर, ठीक है। लैम्बडा इज योअर रियल पैरामीटर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन द लोकस ऑफ जेड विल बी, देन द लोकस ऑफ मतलब लोकस ऑफ जेड विल बी क्या होगा, लोकस ऑफ जेड आपको फाइंड आउट करना है। और वो आपको दिए वाला है कि सर्कल का लोकस होगा, ठीक है। बी मीन्स आपका इलिप्स होगा, मीन्स आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालना पड़ेगा और इक्वेशन को स्टडी कर ये देखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन आया है वो सर्कल के इक्वेशन के जैसे दिख रहा है, कि इलिप्स के इक्वेशन के जैसे दिख रहा है, कि आपके पैराबोला के इक्वेशन के जैसे दिख रहा है, या फिर आपके हाइपरबोला के जैसे दिख रहा है। तो मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये देखना पड़ेगा कि वो जो एक्सप्रेशन है वो किसके जैसे दिख रहा है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपके पास जो वैल्यू दिए वाली है उसी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जेड इक्वल्स टू क्या दिए वाला आपके पास, लैम्बडा प्लस 3 प्लस यूर आई अंडर रूट ऑफ 5 − λ², राइट। आपके पास ये दिए वाला है, तो जेड इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। इसको कंपेयर करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, लैम्बडा प्लस 3, और वाई की जो वैल्यू है वो मिल जाएंगी अंडर रूट ऑफ 5 − λ². तो अगर मैंने वाई को स्क्वायर कर दिया दोनों साइड से, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, 5 − λ² का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पर और इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अब भी अपन क्या करेंगे, ये जो है ये यहाँ पर जो है यहाँ से अपन लैम्बडा की वैल्यू लिख सकते हैं x − 3, तो ये जो x − 3 है वो अपन पुट करेंगे यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 5 − your x − 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये x माइनस 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ओके। अब इसको करो सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने से अच्छा अपन क्या करेंगे, इस प्लस इस माइनस को इधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस यूर एक्स माइनस 3² इक्वल्स टू यूर 5, ठीक है। ये हो गया आपके पास, तो ये देखो आपके पास क्या दिख रहा है, एक्स माइनस 3² प्लस योर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट योर इक्वेशन ऑफ योर सर्कल। ये इक्वेशन कैसे दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ योर सर्कल के जैसे दिख रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक्सप्रेशन से आपको समझना था कि कैसे आया, तो ये एक्सप्रेशन कैसे दिख रहा है आपको, इक्वेशन ऑफ सर्कल के जैसे दिख रहा है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो लोकस है, लोकस ऑफ द जेड का होगा सर्कल का होगा, ठीक है। ये हो गया छोटा सा एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछा हुआ है, कि द एक्सप्रेशन आपको दिए वाला है साइन ऑफ एच इनवर्स ऑफ योर एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको ऑप्शंस दिए वाले हैं। क्या ऑप्शन है, ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x² + 1, ठीक है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि ln ऑफ योर x प्लस अंडर रूट ऑफ x² - 1, ठीक है। c जो है वो आपके पास है ln ऑफ योर x माइनस अंडर रूट ऑफ x² - 1, एंड जो d ऑप्शन है वो दिया हुआ है ln ऑफ x माइनस योर अंडर रूट ऑफ x² + 1, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास दिए वाले हैं। तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है फॉर दिस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन के लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन राइट है, ये फाइंड आउट करना है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, साइन ऑफ एच इनवर्स ऑफ एक्स। आपके पास ये जो इक्वेशन दिए वाला है साइन ऑफ एच इनवर्स ऑफ एक्स, उसको करना है सॉल्व। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वाई इक्वल्स टू साइन एच इनवर्स ऑफ एक्स, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एच वाई, राइट बोल सकते हो ना, क्योंकि इधर इनवर्स है, तो आप ऐसे इसको बोल सकते हो। आपको मैंने लास्ट वीडियो में कुछ
एक्सप्रेशंस कुछ इक्वेशंस लिखवा के दिए थे स्टैंडर्ड वैल्यूज के। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज के इक्वेशन क्या है कि एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, ई रेस टू द पावर वाई माइनस ई रेस टू द पावर माइनस वाई बाय टू, ये होता है। तो आप इसी को करो सॉल्व, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये टू इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो टू एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर वाई माइनस ई रेस टू द पावर माइनस वाई। ओके, अब ई रेस टू द पावर माइनस वाई है मीन्स ई रेस टू द पावर वाई माइनस वन अपॉन ई रेस टू द पावर वाई, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर वाई इंटू ई रेस टू द पावर वाई माइनस वन अपॉन यूर ई रेस टू द पावर वाई। ओके, बस ये अपन ए माइनस वन बाय बी को अपन कैसे करते हैं, ए बी माइनस वन बाय बी, ये ऐसे टाइप, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये जो मिला है आपको क्या मिला, टू एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर वाई टू द पावर वाई मीन्स ई रेस टू द पावर टू वाई माइनस वन अपॉन ई रेस टू द पावर वाई। ओके, ये वैल्यू मिली। तो मैंने क्या किया, ई रेस टू द पावर वाई को इधर लेके चले गए, तो क्या हो गया, टू एक्स ई रेस टू द पावर वाई इक्वल टू हो गया ई रेस टू द पावर टू वाई माइनस वन, समझ में आई बात। तो बस ये दो जो है माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या, इधर ये माइनस है इसको इधर लेके जाओ या फिर इसको इधर लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ई रेस टू द पावर टू वाई माइनस वन माइनस टू एक्स ई रेस टू द पावर वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका, जीरो, समझ में आई बात। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब पुट क्या करना है, पुट करेंगे ई रेस टू द पावर वाई को पी, e रेस टू द पावर y को क्या कर देंगे, इसको अपन पुट कर देंगे p, ठीक है। e रेस टू द पावर, ये e रेस टू द पावर y को कर देंगे p। तो इसको अगर मैंने p पुट कर दिया तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स पी इक्वल्स टू यूर जीरो, समझ में आई बात। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं टू एक्स पी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब इसके निकालो फैक्टर्स, और फैक्टर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला आपके पास, बी वाला फॉर्मूला पता है ना, बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन यूवर टू ए। तो इसी से सॉल्व करो तो पी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएंगी टू एक्स, यहाँ पर बी स्क्वायर होता है ना, तो टू एक्स यहाँ पर क्या होता है b, राइट। तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस, राइट, 2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर है मींस आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है मींस a है आपके पास 1 एंड c है जो कि है आपके पास माइनस 1, ठीक है, अपॉन इंटू 2 इंटू a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन यूर 2, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करो, ये हो गया आपके पास। तो इसको देखो आपने क्या कर दिया, इसमें से अपन क्या कर लेंगे, 2 को निकाल लेंगे कॉमन। तो 2 को कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस यूर, यहां से 2 को बाहर निकाला ना अपन ने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया, तो 2 हो गया कैंसल। तो आपकी जो p की वैल्यू है वो क्या आई है, p की वैल्यू आपके आ गई है x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई p की। तो p क्या था, e रेस टू द पावर y इक्वल्स टू p, मतलब आपके पास e रेस टू द पावर y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और आपको पता है e को जो निकालना है तो आप log लगाते हो, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ यूर x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और y आपका नथिंग बट क्या था, साइन h इनवर्स ऑफ x। तो ये जो ऑप्शन है log ऑफ x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, log ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लेकिन देखो अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है कि प्लस माइनस आया, लेकिन आपके पास प्लस माइनस ऑप्शन है क्या, नहीं। तो लॉग हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही होता है, लॉग निगेटिव नहीं लेते अपन, लॉग निगेटिव लेते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर जो निगेटिव साइन है वो निकल जाएगा, ओनली पॉजिटिव बचेगा। तो आपकी जो वाई की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, समझ में आई क्या बात। छोटा सा टूट सा एक प्रॉब्लम था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है, दिया हुआ है कि इफ m इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है e रेस टू द पावर i थीटा एंड n जो है वो भी आपको दिए वाला है e रेस टू द पावर i फाइ। तो आपको शो करना है, शो दैट m माइनस n m प्लस n इक्वल्स टू आपके पास है n tan of theta minus phi by 2, ठीक है। तो ये आपको शो करना है, समझ में आई बात। तो ये शो दैट वाला प्रॉब्लम है, शो दैट,
ठीक है, तो शो दैट जो है उसमें भी आपको कुछ नहीं है, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो m इक्वल्स टू क्या दिया वाला, e रेस्ट टू द पावर i थीटा, n इक्वल्स टू क्या दिया वाला, e रेस्ट टू द पावर i फाई, ठीक है। तो m बाय n क्या हो जाएगा, e रेस्ट टू द पावर i थीटा अपॉन यूअर e रेस्ट टू द पावर i फाई, ठीक है। तो इसी को आप ऊपर लेके जा सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो e रेस्ट टू द पावर i थीटा माइनस फाई, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या बोलता है कि ए बाय बी इक्वल्स टू अगर सी बाय डी होता है तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। तो ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो रूल है वो आपको इधर अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा मैं आपको बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कर दिया m प्लस एन अपॉन यूअर m माइनस एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e रेस्ट टू द पावर i थीटा प्लस यूअर e रेस्ट टू द पावर i फाई अपॉन यूअर e रेस्ट टू द पावर i, क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर e रेस्ट टू द पावर आई थीटा माइनस यूर ई रेस्ट टू द पावर आई फाइव, ठीक है। ये हो गया। अब इसको अगर मैंने सपोज टू बी इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश की तो मेरे पास क्या होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे सॉल्व करो, या फिर और जो है मतलब मैंने इसको सॉल्व किया ना, तो इसके जगह आप ये इक्वल्स टू ये भी है, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि m प्लस एन अपॉन यूअर m माइनस एन इक्वल्स टू यूअर e रेस्ट टू द पावर i थीटा माइनस फाइव प्लस वन अपॉन, ऐसे समझो कि इसके नीचे वन है, कुछ नहीं है मतलब वन होता है ना वैसे ही, e रेस्ट टू द पावर i थीटा माइनस फाइव माइनस वन, ठीक है। ये ज्यादा इजी होगा, तो ये अपन कंसिडर करते, ओके। तो ये अपन ने कंसिडर कर दिया है यहाँ पर, ओके, ई रेस्ट टू द पावर आई थीटा माइनस फाइव प्लस वन और ई रेस्ट टू द पावर आई थीटा माइनस फाइव माइनस वन, ओके। तो ये अपन ने कंसिडर कर दिया। तो अब अपन क्या निकालेंगे, इसमें से कुछ तो भी निकाल लेंगे कॉमन। तो अब इसमें से जो कुछ भी अपन ने कॉमन निकाला है वो मैं आपको यहाँ पर तो e रेस्ट टू द पावर i थीटा माइनस फाइव बाय टू जो है वो आप कॉमन निकाल लो नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। तो थीटा माइनस फाइव बाय टू, ठीक है। तो ये अगर मैंने इसमें से कॉमन निकाला तो यहाँ पर देखो इसमें से आधी आधी चीज वन में से आधा निकाला तो आधा बचा मीन्स e रेस्ट टू द पावर i थीटा माइनस फाइव बाय टू, यहाँ पर क्या बचेगा e रेस्ट टू द पावर i थीटा माइनस फाइव बाय यूर टू। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा e रेस्ट टू द पावर माइनस i, ठीक है, क्योंकि अपॉन में है ना, कॉमन निकालते हो ना आप, कॉमन कॉमन कैसे निकालते हो, वैसे ही आपको क्या करना है माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस आई थीटा माइनस पाई बाय टू। तो ये आपने निकाल लिया कॉमन। कॉमन कैसे निकालते हो, वन में से अगर आपको टू कॉमन निकालना है तो डिवाइड बाय टू लगाते हो ना, तो ये डिवाइड में है इसलिए ये माइनस है, समझ में आई क्या बात। जो अपन कॉमन निकालते हैं उसको अपन डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड देन वी विल गेट कॉमन। तो वैसे ही आपने यहाँ पर किया, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। थोड़ा आपको ऐसे लग रहा होगा कि क्या लेवल आ गई है, तो थोड़ा थोड़ा लेवल तो अब बदलने वाला है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, m प्लस एन अपॉन यूर m माइनस एन की वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है, ये जो है e रेस्ट टू द पावर i थीटा माइनस टू, ये जो है वो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है टू कॉस ऑफ थीटा। ये इक्वेशन जैसे मैंने बोला ना कि लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस बताए हैं, तो देखो ये जो है ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास ओनली अंदर का बचता है। तो अंदर में भी ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन एंड ए वाला एक्सप्रेशन, तो मैंने लास्ट वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज दिए थे, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज के हिसाब से ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर उसकी वैल्यू हो जाती है टू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाय टू, और ये जो नीचे वाला है उसकी वैल्यू हो जाती है टू आई साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाय यूर टू, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है वो आपको लास्ट लेक्चर में से आएंगी, तो आपको लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में से जो वैल्यूज आई है उससे आपके पास क्या हो गया, m प्लस एन अपॉन यूर m माइनस एन जो है वो क्या मिल गया आपके पास, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाय टू, ठीक है, और अपॉन यहाँ पर आई साइन ऑफ यूर थीटा माइनस फाइव बाय टू, ठीक है। यहाँ पर टू भी है लेकिन ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m प्लस एन अपॉन m माइनस एन जो है वो आपके पास क्या मिला, कॉस
कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाय टू, और यहाँ पर जो है वो क्या था, आई साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाय योर टू। तो आपको जो शो करना था वो क्या था, एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन, तो इसको ही उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, आई साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाय योर टू अपॉन योर कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाय योर टू, राइट। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस इज नथिंग बट योर टैन, तो ये हो जाएगा आई टैन ऑफ योर थीटा माइनस फाइव बाय योर टू। तो यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। प्रूफ में आपको यही क्वेश्चन था, एम माइनस एन अपॉन एम प्लस वन एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, आई टाइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई बाय टू, ठीक है। यही आपको क्या करना था, शो करना था। समझ में आई क्या बात, कि ये कैसा इक्वेशन था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, इसमें भी आपको एक यूनिटी का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन देखो कैसा है, अब ये क्वेश्चन जो है वो कैसा है कि इफ यू हैव वन ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो देन एक्सप्रेशन है आपको दिए वाला, वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर फाइव प्लस यूर वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर फाइव विल बी, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एंड यूर वन प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस पे से आप लिख सकते हो, राइट। अब अपने पास जो मिला है उसको लिखो कैसे, अपने पास जो है जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो इक्वेशन ये, तो क्या है, वन माइनस ओमेगा प्लस यूर ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर फाइव प्लस यूर वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर फाइव। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, इस वन माइनस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा, तो वो पुट कर दोगे यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस ओमेगा रेस्ट टू द पावर योर फाइव, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप क्या करोगे, वन वन प्लस योर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो ये क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर फाइव, तो ये क्या होगा, माइनस टू ओमेगा रेस्ट टू द पावर फाइव प्लस योर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर योर फाइव, ठीक है। तो अब देखो रेस्ट टू द पावर फाइव रेस्ट टू द पावर फाइव है, तो इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर, प्लस है, एडिशन है, तो एडिशन के लिए फिर आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर अपन ऐसे कर सकते हैं, इसको माइनस माइनस है, राइट, तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट कर सकते हो, क्या अपन ऐसे नहीं कर सकते। फिर इसमें से क्या कर सकते हैं, अपन टू को ले सकते हैं कॉमन, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि टू रेस्ट टू द पावर फाइव ले लिया अपन ने दोनों में से कॉमन, क्योंकि रेस्ट टू द पावर को याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या बचा, माइनस ओमेगा रेस्ट टू द पावर फाइव प्लस यूर यहाँ पर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर फाइव, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब टू रेस्ट टू द पावर फाइव है, मीन्स क्या हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो टू इंटू फोर, फोर इंटू फोर मीन्स यहाँ पर हो गया 16, और 16 इंटू टू मीन्स हो गया आपके पास 32, तो ये क्या हो जाएगा, टू रेस्ट टू द पावर फाइव इज नथिंग बट यूर 32, ठीक है। अब अंदर का करना है सॉल्व, तो अंदर वाले को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, माइनस ओमेगा रेस्ट टू द पावर फाइव प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर फाइव, ठीक है, ये है। तो इसको अब अपन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि रेस्ट टू द पावर फाइव, रेस्ट टू द पावर फाइव को कॉमन ले लेंगे, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर यूर फाइव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 32 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर फाइव, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर फाइव। तो अब माइनस ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको लिख दो 32 वन प्लस योर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर फाइव, तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या ओनली वन, तो 32 इंटू वन रेस्ट टू द पावर फाइव, तो वन रेस्ट टू द पावर फाइव इज नथिंग बट वन, तो इसका आंसर क्या है, 32। तो ये एनएटी टाइप क्वेश्चन में आया चुका है शायद से, तो एनएटी टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, 32 आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, आंसर 32। तो अब जो है आपका सबर खत्म करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आईआईटी जाम में, नहीं, हाँ आईआईटी जाम 2015 में, ठीक है। ये क्वेश्चन कब का है, आईआईटी जाम 2015 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, आपको फेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया वाला है और पूछा हुआ है कि ये जो पोलार रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे करेगा, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा, ठीक है। और ऑप्शंस आपको दिए वाले हैं, मीन्स कहाँ पर
किस एंगल पर उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या है, 1 + i × i, इसको सॉल्व करो क्या होगा, i × 1 i + i × i मीन्स आई स्क्वायर, मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं आई, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आई प्लस माइनस वन, तो आप इसको लिख सकते हो आई माइनस वन। तो इसको कंपेयर करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 + i लिख सकते हो, आप इसको कंपेयर करो x + iy से, x + iy से कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 1, राइट। अब आपको पता है कि ये जो फेज होता है, ये जो फेज होता है, फेज होता है आपके पास टैन इनवर्स ऑफ y बाय x, टैन इनवर्स ऑफ y बाय x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या आपकी 1 और x की वैल्यू है -1, तो आपके पास क्या आ गया, टैन इनवर्स ऑफ यूर -1। तो टैन की ऐसी वैल्यू कौन सी है जहां पर -1 आता है, तो टैन की ऐसी वैल्यू कौन सी है, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री को कर दो पाई में कन्वर्ट, और पाई में कन्वर्ट करके कौन सा आंसर राइट है ये आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। तो इतना होमवर्क है आपको, ये क्या है होमवर्क, 135 को ओनली आपको क्या करना है, पाई में कन्वर्ट करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है आपके पास ये वाला। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, IIT जाम का ही क्वेश्चन है, जो कि पूछा हुआ है 2016 में, ठीक है, कब पूछा है, 2016 में। तो 2016 का क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉइंट दिए वाले है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो दिए वाले है, और आपके पास चार ऑप्शन जो है ऐसे ग्राफिकल ऑप्शन है। तो ऑप्शन पर अपन नहीं जाएंगे, सीधा इसको सॉल्व करेंगे, जो राइट है वो मैं बता दूंगी और फिर आप उससे ऑप्शन देख लेना। 2016 का IIT जाम का क्वेश्चन है। तो क्या है, 1/(1 - i), तो आपने 9th में देखा होगा अपन इस ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते थे, रैशनलाइज करते थे, राइट। तो इसको रैशनलाइज करो, तो क्या रैशनलाइज मींस क्या, कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको प्लस की वैल्यू करके आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो उसको ही आप क्या करोगे, 1 + i और 1 + i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आपको पता है ओनली i की टर्म को प्लस माइनस करते हो, आप रियल नंबर को प्लस माइनस नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 1 + i, और यहां पर क्या हो जाएगा, 1² - your i का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + i / your क्या हो जाएगा, 1² मीन्स 1 और i का स्क्वायर है -1, ठीक है। तो -1 + 1, तो ये हो जाएगा 1 + i / 1 + 1, तो 1 + 1 मीन्स 2, तो 1 + i / your 2, 1 + i / your 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2 + your i / 1/2, राइट। तो ये जो है इसको आप कंपेयर करो x + i / y से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, y की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, हाफ नथिंग बट 0.5, ये भी क्या है, 0.5, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0.5 x की y की वैल्यू, और ये यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये होगा 0.5 और ये होगा आपका 0.5, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 0.5 है। तो 2016 का सिंपल सा ही क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो कि आ चुका है 2019 में। तो 2019 का ये क्वेश्चन है और फिर यहाँ पर खत्म करेंगे लेक्चर, थोड़ा बड़ा हो गया पता है, लेकिन अब बड़े लेक्चर्स आपको लेना ही पड़ने वाला है 100 डेज में, अगर ज्यादा सिलेबस कवर करना है तो। आपको एक इंटीग्रेशन दिए वाला है मॉड में, जिसकी वैल्यू पूछे वाली है, जिसमें भी आपको अलोंग साइड 3y = x दिए वाला है, और आपको आपको पूछा है कि z = x + iy इज क्या होगा, ठीक है, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है वो आपको क्या दिए वाला है, 0 to 3 + i, ठीक है, z² dz और यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपको दिया क्या है, 3y = x है, क्या दिया वाला है, 3y = x, तो मैंने x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dx की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3dy, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में। अब x जो होता है वो क्या होता है आपके पास, x + iy, ठीक है। तो अगर मैंने x को डिफ्रेंशिएट, z को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dz = क्या हो जाएगा, dx + your i dy, राइट, ये हो जाएगा। तो अब देखो आपको पता है कि z बार में z का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, z का कॉम्प्लेक्स होता है x - iy, ठीक है। तो z कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर दिया वाला है, तो कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर निकालो, क्या हो जाएगा, x - iy² तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2xiy + your i² y², अब i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा x² - 2xiy - y², समझ में आई बात। तो इसको अब थोड़ा सा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो अपन क्या करेंगे कि x की वैल्यू जो है वो 3y दिए वाली है, तो यहाँ पर इस x के जगह 3y पुट करेंगे। तो अगर मैंने इस x के और इस x के जगह 3y पुट कर दिया, तो 3y स्क्वायर
माइनस टू थ्री वाई आई वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो 3y² मीन्स 9y² माइनस 2 3 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 ये i और ये y² माइनस y², ठीक है। तो अब देखो 9y² माइनस y² मीन्स हो गया 8y² माइनस i 6y², ठीक है। ये वैल्यू हो गई z² की, ये वैल्यू होगी z² की। तो यहाँ पर z² की वैल्यू डाल दो और ये dz की वैल्यू ये वाली डाल दो, ये वाली, ठीक है। तो ये dz की वैल्यू डाली और वो वाली वैल्यू डाली, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो कैसे हो जाएगा, जीरो। अब मॉड निकाल लेंगे बाद में बाहर, ठीक है। 3i 0 to 3i, और यहाँ पर क्या लेना है आपको, 8y² माइनस आई 6y², ठीक है। और dz की वैल्यू क्या है, dx प्लस आई dy, समझ में आई बात। ये हो गया आपका इक्वेशन और मॉड का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ओके समझ में आया बात। अब देखो यहाँ पर और भी क्या है कि यहाँ पर अगर मैंने आई को कन्वर्ट कर दिया है, मतलब मैंने यहाँ पर कन्वर्जन किया है, राइट, तो यहाँ पर लिमिट का भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। मैंने पूरे टर्म को वाई के फॉर्म में ला लिया है, तो लिमिट भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि लिमिट जो है वो आपके पास 0 to 3 + 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, 3 + 1 है, तो उसको एक्स और वाई के इसमें कंपेयर कर दो, तो एक्स प्लस आई वाई, तो वाई इक्वल्स टू आपके पास क्या है, यहाँ पर 1 है, और लिमिट वही जो है, तो क्या हो जाएंगे। अब देखो मैंने क्या कर दिया, इसको वाई के टर्म में कन्वर्ट किया ना, तो यहाँ पर ओनली वाई की टर्म लेना पड़ेगा, एक्स को अपन ने पूरा निग्लेक्ट कर दिया, तो लिमिट क्या हो जाएंगे आपके पास, 0 to 1। ये तो ये 3 + i के जगह आप क्या लिख लोगे, 0 to only 1। लिमिट कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपने सारे इक्वेशन को x से y में कन्वर्ट कर दिया, तो लिमिट भी x की टर्म में कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, ओनली y की टर्म में लेना पड़ेगा, तो लिमिट जो है वो क्या आ जाएगी, 0 to 1, लिमिट क्या आ जाएगी, 0 to 1। तो इसको अब सॉल्व करना है, अब ये महत्व का काम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं जो है इधर ये इक्वेशन लिखकर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये जो इक्वेशन था आपके पास वो क्या था, 0 to 1, ठीक है, और आपके पास था 8y² माइनस 6i y² इंटू यूर 3dy प्लस आई डी वाई होल स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर जो है 6y dx लिखा था, राइट, तो dx की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे 3dy, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी मतलब अपन ने सबको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक भी x का फॉर्म नहीं रखा, ठीक है। तो ये इक्वेशन को मैंने यहाँ पर डालने के बाद में मेरे पास ये मिला, इसको अब सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 0 to 1, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8y² इंटू 3dy, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 3, 8 × 3 = 24, तो 24y² dy, ठीक है। माइनस ये इसको करो इससे मल्टीप्लाई, तो 3 × 6 = 18, तो 18i y² dy, ठीक है। फिर इसको करो इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, प्लस 8y² i dy, ठीक है। फिर इसको करो इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6i² y² dy, ठीक है। और ये पूरा इक्वेशन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, dy 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 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, 0 to 1, 24y² माइनस, इधर क्या हो जाएगा, कॉमन नहीं लेते, एक काम करते हैं, इसको कॉमन लो फिर से अलग करो, उससे अच्छा अपन क्या कर देते हैं, इसको ही सेपरेट कर देते हैं। इसको सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 24y² dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, 18i y² dy, ठीक है, प्लस यूर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, i 8y² dy, ठीक है। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू लिख लो, -1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 6y² dy, ठीक है। ये हो गया और इक्वेशन पूरा के पूरा स्क्वायर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1। अब आपको पता है इंटीग्रेशन करो सॉल्व, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 0 to 1, 24y³/3, इसको सॉल्व किया, ठीक है,
यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यूज जो है, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे तो इंटीग्रेशन की वैल्यूज आपको यहाँ पर ऐसे लिखनी पड़ती है, 0 to 1 माइनस यूर हो जाएगा आई 18 y³/3, y² dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y³/3, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं, 0 to 1 लिमिट, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आई 8 y³/3, 0 to 1, एंड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 y³/3, 0 to 1, और यहाँ पर इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका पूरा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वैल्यूज को पुट करो, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, तो हायर माइनस लोअर है, तो ये 0 0 होने के वजह से कुछ लेने का काम नहीं है उसको। सिंपली आप लिख सकते हो 24 y³/3 माइनस माइनस 18 y³/3 प्लस आई 8 y³/3 प्लस 6 y³/3, और ये हो गया पूरा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई की टर्म्स जो है ये वाली है और ये वाली है, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस 18 प्लस 8 क्या हो जाएगा 10, माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, और माइनस 10 i y³/3, ठीक है, और ये जो है वो क्या है 6, ये है 24, मीन्स हो गया आपके पास 30, तो 30 y³/3, ठीक है, तो y³/3 माइनस 10 y³/3, तो आपके पास जो आया है वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, क्या आया था आपके पास 30 by 3, ठीक है, माइनस 10 by 3 आई, और यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, ये y y y की वैल्यू डाल रहे हैं ना अपन, तो y देखो अभी अपन ने देखा था कि y की वैल्यू क्या है 1 है, तो y की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पर डाल दोगे, तो 1 देखो यहाँ पर 1 डाल दिया तो ये निकल गया, यहाँ पर 1 डाल दिया तो ये भी निकल गया, ठीक है, तो 1 1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्या था y³ था, यहाँ पर भी क्या था y³ था, y=1 मिला आपको, तो y=1 मिला, मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा y³=1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 by 3 माइनस 10 by 3 आई, और यहाँ पर हो जाएगा मॉड का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसमें से आप क्या करेंगे 1/3 को ले लेंगे कॉमन, 1/3 को कॉमन दिया तो 30 माइनस 10 i, ठीक है, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1/9, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 30² माइनस यहाँ पर 10 का स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब 30 का स्क्वायर क्या है, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, तो 1/9 इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो 1/9 यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 900 माइनस 100, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस आई का भी स्क्वायर है ना, तो ये आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1, तो आई स्क्वायर माइनस 1 है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 100 स्क्वायर, तो 900 प्लस 100 मीन्स आपका हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1000 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1000 स्क्वायर इज नथिंग बट 1000 ना, 1000 और ये स्क्वायर कैंसिल हो तो ये हो जाएगा 1000 by 9, तो 1000 को 9 से डिवाइड करो आपको वैल्यू क्या मिलेंगी 111.11, तो आपको आंसर जो है 11.11 आया था, और आपको क्या निकलना था राउंड ऑफ फर्स्ट डेसिमल तक लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 111.11 आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाएगा, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं वो अपन देखने वाले हैं, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शंस डिफरेंशिएबल होते हैं क्या, कंटिन्यू होते हैं क्या, लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या, ये सब अपने को देखना है नेक्स्ट वीडियोस में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।